नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लापता युवक का मिला शव, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। वैनगंगा नदी पुलिस गर्रा में 12 मार्च से लापता चंद्रेश मात्रे गंगानगर बुढ़ी वार्ड नंबर 13 निवासी युवक, जिसकी आज 15 मार्च को वैनगंगा नदी पुल में शव संदिग्ध स्थित में पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त चंद्रेश के रूप में पुलिस ने की। तत्पश्चात परिजन एवं मित्रों को फोन कर जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर परिजन एवं मित्र पहुंचे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रेश, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष, वह मेडिकल में ऑपरेटिंग का काम करता था, जो 12 मार्च से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। वही आगे की जानकारी में कहा गया कि चंद्रेश बिना किसी को सूचना दिए सौंप जाने के लिए भाई के साथ घर से निकला था, जिसके बाद नगर के कालीपुतली चौक में भाई को छोड़ चंद्रेश वहां से चले गए, जिसके बाद देर रात होने के बाद भी चंद्रेश घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन चंद्रेश का कहीं पता नहीं चला। वहीं आज युवक की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने की खबर लगी, तो मृतक का भाई मौका स्थल पर पहुंचा, जिसके मृतक की शिनाख्त अपने भाई चंद्रेश के रूप में की। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा युवक की मौत की जांच की जा रही है कि युवक की मौत कैसे हुई, यह हत्या है या आत्महत्या, यह कहा नहीं जा सकता। कोतवाली पुलिस द्वारा जांच जारी है। मेरा नाम लीलाधर मात्रे। मात्रे जी, कौन है आपका? मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम है इनका? चंद्रेश कुमार मात्रे। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी 32 रनिंग है। 32 रनिंग है। क्या करते थे ये? मेडिकल शॉप में ऑपरेटिंग थे, राजेश मेडिकल करते। कब से लापता थे इधर? ये 12 तारीख से निकले हैं। 12 तारीख से लापता। क्या बोल के देख रहे थे? ऐसा घर वालों को कुछ भी ना, दोस्त भाई को कुछ भी ऐसा जानकारी देके नहीं निकला था। ये खुद ही मतलब शॉप के नाम पे निकला था, मेरे साथ में निकला था, मेरे को छोड़ दिया इसने कालीपुतली चौक में। मैं चले गया अपनी शॉप, फिर ये अपनी शॉप जाने के बजाय गाड़ी एक गैरेज में खड़ी किया, जहाँ अपन गाड़ी बनाते हैं डेली, और वहाँ से फिर निकला। फिर वहाँ से फिर खबर नहीं। हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन घंटी पूरी जा रही है, रिप्लाई कुछ नहीं कर रही। तो आज कैसी जानकारी ली थी? आज सर का फ़ोन आया मेरे को, एक बॉडी मिली करके। नहीं, सबसे पहले तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उनका दोस्त यहाँ से निकल रहा था वसूली पे, तो यहाँ का भीड़ दिखी होगी उनको, तो निकल रहा था, तो रायपुर वाले दोस्त को फ़ोन आया, उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा कि दादू पहले तू जाके देख, भाई बॉडी मिली है। और उसके बाद फिर पड़ते सर का भी फ़ोन आया कि बॉडी मिली है, आ जाओगे। क्या लग रहा है आपको? तो अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, क्योंकि कुछ लगे तो समझ में आए, अब मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ। क्या टेंशन उन्शन में रहता? टेंशन तो कुछ भी नहीं था, ना घर वालों ने उसको कुछ बोले थे, ना उसने कुछ घर वालों को बोल के निकला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शादी भी हो गई थी? नहीं, शादी जुड़ी थी अभी, होनी थी सर। मासूक मासूक जी, ये कौन है आपको? मित्र है मेरा। क्या नाम है इनका? चंद्रेश मात्रे नाम है इसका। अच्छा, 12 तारीख से लापता है। कहाँ रहते हैं? गंगानगर बूढ़ी वार्ड नंबर 13 में। अच्छा, कैसी जानकारी लगी थी आपको? गुमशुदा थी, तो उसके भाई ने बताया कि गुम हुआ है, तो हमने सभी दोस्त मिलकर के खोज रहे थे एक दो दिन से। आज सुबह फ़ोन आया कि क्लास का मतलब वहाँ पे दिखी करके, तो फिर हम लोग आए थे, वही बस शिनाख्त करने पहुँचे थे। तो कपड़ों से शिनाख्त हो रहा है कि वही है। वही है। अच्छा, कब से लापता था, क्या लग रहा है? 12 तारीख से लगभग लापता था ये। घर में मतलब बोला कि दुकान जा रहा हूँ, ऐसा करके अपने भाई को भी बोला, और फिर उसके बाद से दुकान नहीं पहुँचा, तो सब सोचे कहीं गया होगा। फिर शाम को भी घर नहीं आया, तो फिर वो उसके मतलब खोजबीन फिर चालू की। आज उसके लाते आज क्या लग रहा है? क्या किसी ने मारा है या खुद ही? नहीं, अब ये तो बोल नहीं सकते, अब क्या है उसका समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम आपका? कृष्णकांत मासूम।